हेलो डियर ट्रैवल एजेंट्स, आज इस वीडियो में हम वॉलेट फीचर के बारे में सीखेंगे जो आपके सीआरएम पर फाइनेंस के अंदर अवेलेबल है। वॉलेट फीचर के हेल्प से आप अपने ट्रैवकैन पावर्ड वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं या फिर पैकेजेस की बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें आपके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, जो भी आपका बैंक सपोर्ट करता है। जैसे ही कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देता है तो वो आपके वॉलेट में कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट। आपको वॉलेट में दो और ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड मनी, जिसमें आप अपने वॉलेट के अंदर कोई भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। अमाउंट ऐड करने का बेनिफिट ये होगा कि आप आगे अपने B2B सप्लायर्स को पे करने के लिए उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रैवकैन की दूसरे सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं या प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। वॉलेट में मनी ऐड करने के लिए सिमिलर वे में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, नेट बैंकिंग, HDFC, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर अदर्स, जो कि आप इजीली यहां से पे कर सकते हैं मोड सेलेक्ट करके। विड्रॉ टू बैंक में आप विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करेंगे और वहां पर जितना भी अमाउंट आपको वॉलेट से डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करना है वो एंटर करेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट करते ही एक ऑटोमेटिकली बैंक के पास रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा और आपका 2 working days में अमाउंट बैंक में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो इस तरह से आप वॉलेट के हेल्प से जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं आप वो मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी रहती है।